पिछले 3 दिनों के एक एक पल की फुटेज जो इन कैमराज में कैद है, मुझे वो सारा डाटा चाहिए। जी मैम, आपको क्या लगता है इससे भूषण की आत्मा कोई हलचल करेगी? हमें सारी कोशिश करनी होगी। मिस्टर केशव साहब आए हैं ऑब्जर्वेशन रूम में। हेलो सर। तो मिस आलिया, आपको मेरी सहेली में कोई आत्मा दिखाई थी? सर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके इस घर में अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हमें उसके संकेत जरूर मिलेंगे, और हो सकता है वो उस एक्टिविटीज कैमरे में कैद भी हो जाए। हमारे पास कुछ खास किस्म के कैमराज हैं जिनमें काफी कम रोशनी में भी साफ दिखाई देता है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी पे एक 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले इस जगह के बारे में जितनी भी अफवाहें ना वो सब कुछ खत्म हो जाए। ये क्या है? देखिए, आप लोग यहाँ पर काम करिए, मैं चलता हूँ। गाइज, चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, कौन है यहाँ? हेलो, ऊपर जाके देखो ये चिमनी ऊपर खुलता है क्या? एक खूनी ने इसी रास्ते का इस्तेमाल तो नहीं किया? सर, शरीर पे कहीं गोली भी नहीं लगी और ना ही कहीं खरोच या कोई हाथापाई के निशान। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, कि ये कान, आंख और नाक से खून कैसे निकला? इसे देखकर लगता है कि मरने से पहले इसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देख के बहुत डर गई। सर, मैंने पूरे घर के खिड़की दरवाजे चेक कर लिए, कहीं से भी जोर जबरदस्ती अंदर घुसने के कोई निशान नहीं मिले। हाँ ठीक है। अपूर्वी, सर मरने वाली का नाम आलिया, पेशे से वो एक क्लेवर थी। वो इस जगह पर अपनी टीम के साथ भूषण नाम के मरे हुए अपराधी की आत्मा पर साइंटिफिक तरीके से छानबीन करे, रिसर्च करे थे और खुद मारी गई। और कुछ? सर, ये लोग कह रहे हैं कि आलिया ने उस कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी, वो वहाँ पर गई और फिर पावर कट हो गया और इनके सारे सीसीटीवी कैमरास और मॉनिटर्स ऑफ हो गए। पावर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया होगा? नहीं नहीं सर, उस वक्त तो हम लोग यहीं थे। और सर, फिर मेन स्विच कौन ऑफ करेगा? वैसे भी हादसे के तुरंत बाद लाइट खुद ब खुद आ गई थी। मतलब आप लोगों के अलावा कोई और भी अंदर आया था, मगर कौन? ये पावर स्विच ऑफ होने से पहले तक ये सीसीटीवी कैमरा चल रहे थे ना? हमें इसकी फुटेज दिखाओ।
आवाज कैसी? पता नहीं सर, तब तो हमें भी कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। जरा से रिवाइंड करो। ये आवाज आते ही फोन स्विच ऑफ हो गया। जरा से रिवाइंड करो और वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ सर, कुछ अजीब सी आवाज है। हाँ सर, ये वही आवाज है। इसी आवाज को सुनकर आलिया अंदर गई थी। उस वक्त कमरे में टेम्परेचर क्या था? 0.5 डिग्री बढ़ गया। का मतलब उस समय कमरे में कोई था जो तुम्हारे कैमरे ने कैच नहीं किया। एक काम करते हैं, मगले ही बाहर चल के देखते हैं। पूरी जरा फुटेज चेक करो। सर, हाँ भाई, पता चला? सर, यहाँ पर किसी के भी आने या जाने का कोई निशान नहीं मिला। अच्छा, तो फिर वो खूनी बंगले के अंदर आया कहां से? डॉक्टर साहब, पता चला आलिया पे किस हथियार से हमला किया गया? इस पर हमला हुआ ही नहीं। हाँ, इसके शरीर पे हमले के कोई निशान नहीं है भाई। अरे लेकिन इसके नाक और कान से खून निकल रहा था, कोई जहरीली गैस वगैरह? नहीं, जहरीली गैस की वजह से भी इसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन इसकी मौत की वजह बड़ी चौंकाने वाली है। भूषण की आत्मा? मुझे नहीं मालूम है, मैं कभी किसी आत्मा से नहीं मिला, लेकिन हाँ, अगर आत्मा है तो कोई बहुत स्पेशल किस्म की आत्मा होगी जिसने डॉक्टर का रूप धरा और इसके दिल के अंदर घुस गई। क्या आलिया के दिल में आत्मा घुस गई? अरे बाप रे। अरे यार, एक अभिजीत, आलिया की मौत की वजह दिल का दौरा है। अब अगर दिल का दौरा पड़ा है तो आत्मा दिल में ही घुसेगी ना भाई। दिल का दौरा इस उम्र में? अब ऐसे आलिया को पहले से कोई दिल की बीमारी हो तो सर, आलिया की मेडिकल रिपोर्ट्स। ये लो। आलिया की मेडिकल रिपोर्ट तो कहती है कि इसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी और इसका ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल था। सर, हो सकता है किसी चीज को देखकर डर गई हो और इसे दिल का दौरा पड़ गया हो। लेकिन सर, दिल का दौरा पड़ने से कान नाक से खून निकलना, ये बात को समझ में नहीं है। मेरे भी समझ में नहीं है। एनीवे, जो भी वजह रही हो मैं ढूंढ ही लूंगा। सर, आप पता लगाते रहना, लेकिन उसके पहले कुछ काम की बात तो बता दो, केस तो आगे बढ़े। सर, उसके हाथ में ना रॉड मिली है जो हड्डी जोड़ने में इस्तेमाल की जाती है। हाथ में रॉड है इसके? हाँ, रॉड। अभिजीत, इसके डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आलिया एकदम तंदुरुस्त थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूं कि आलिया जरूर बीमार थी, उसे कोई न कोई रोग जरूर था। अच्छा, तो इसके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। कहिए। डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपका मुझसे क्या काम? डॉक्टर, आलिया आपकी पेशेंट थी ना? आलिया? हाँ, मैं उनके फैमिली डॉक्टर हूँ। क्या हुआ? कल दिल का दौरा पड़ने से आलिया की मौत हो गई। क्या? आलिया को दिल का दौरा? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो काफी स्वस्थ थी। इसी बात की तहकीकात करने तो हम यहाँ आए डॉक्टर साहब। आप हमें ये बताइए कि आलिया को क्रॉनिक हार्ट डिजीज तो नहीं थी, यानी दिल की कोई पुरानी बीमारी? मैंने कहा वो काफी स्वस्थ थी, उसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर 3 दिन पहले आलिया आपके क्लिनिक में क्यों आई थी? आलिया को किडनी का इन्फेक्शन हुआ था, मैंने उसे दवाई दी थी और ऐसी कोई खतरे वाली बात ही नहीं थी। उन दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। यही वो दवाई जो मैंने आलिया को दी थी, डिकोडर नाम है उसका। डॉक्टर साहब, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं, अभी पता चल जाएगा। श्रेया,
डॉक्टर सालुंगे को फोन करो और इस दवाई के बारे में सब कुछ पूछ लो। आशा बोलो। सर हम आलिया के फैमिली डॉक्टर डॉक्टर राकेश के पास आए, उन्होंने आलिया को जीकोटर नाम की कोई दवाई दी थी। श्रेया ये दवाई तो इन्फेक्शन में काम आती है, किडनी इन्फेक्शन में। क्या इस दवाई से दिल का दौरा पड़ सकता है? हाँ पड़ सकता है। सर आशा डॉक्टर सालुंगे कह रहे हैं कि इस दवाई से दिल का दौरा पड़ सकता है। ओ, ये है हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंगे, बात कीजिए। हाँ तो डॉक्टर आपको ये लगता है कि आलिया को इन्हीं दवाइयों की वजह से हार्ट अटैक आया था? जी हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। वेल डॉक्टर हर केस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन कुछ केसेस में दिल का दौरा पड़ सकता है। आप ठहरे मुर्दों के डॉक्टर, आपको क्या मालूम इन दवाइयों के बारे में? विल यू प्लीज शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तो और क्या कहूँ आपको? और क्या कहूँ? तुम एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? तुम्हारी डिग्री फर्जी तो नहीं है? अरे छोड़ो यार ये डॉक्टरी और कहीं सन्यासी हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ही बात की। मेरी बात को चैलेंज करता है? शट अप यू। डॉक्टर साहब मैं काविन बोल रहा हूँ। अरे यार काविन, आई एम सॉरी यार। ये कौन यार डॉक्टर यार? पर इसे ये अचानक कालिया को ये इन्फेक्शन कैसे हो गया यार? ऐसा है तो आलिया के घर चलते हैं डॉक्टर साहब, वहीं जाके पता चलेगा इस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया आलिया के शरीर तक पहुंचे कैसे। नहीं सर, खूनी के बारे में अब तक कुछ नहीं पता लगा। हाँ सर अब पूछताछ जारी है, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा सर। हाँ सर। सर अरे पता लगा? नहीं सर कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर पता लगेगा। या कोई ऐसा आदमी होगा जिसने इसे जरूर देखा होगा। साहब मेरी मदद करो साहब, मुझे कुछ पैसा दे साहब, भगवान आपकी मदद करेगा साहब। क्या कर रहे हो सब, सीधे खड़े रहो। पर भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, समझे? लेकिन साहब मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। देखो भाई साहब हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुनने की फुर्सत नहीं हमारे पास, प्लीज आप जाओ यहाँ से प्लीज। साहब आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि कल रात इधर क्या हुआ? एक मिनट तुम कैसे जानते हो कि हम क्या जानना चाहते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ साहब। तो बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले पैसा दीजिए फिर बताऊंगा। अब बोलो। साहब कल रात एक यहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक आदमी बैठा था। कितने बजे की बात है ये? 7-8 बजे की बात है। कौन सी गाड़ी थी और यहाँ पे कितनी देर तक खड़ी थी? साहब कार थी, लगभग 2 घंटे खड़ी थी साहब यहाँ। और गाड़ी में कौन बैठा था देखा तुमने? कौन था साहब ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं उसके पास पैसा मांगने गया, खिड़की खटखटाया लेकिन उसने खोला नहीं, खुद ही भिखारी था साहब तो क्या हमें देगा। अच्छा वो आदमी गाड़ी से उतर के इस घर के अंदर गया था? हाँ साहब कल तो नहीं गया था। एक मिनट क्या मतलब तुम्हारा, वो इससे पहले भी आया था यहाँ पे? हाँ हाँ साहब 3 दिन पहले आया था वो। तब तो तुमने उसे देखा होगा? देखा था साहब लेकिन चेहरा नहीं देखा था। क्यों चेहरा क्यों नहीं देख पाए? उसने टोपी पहन रखी थी और रात को अंधेरा था इसलिए साहब चेहरा नहीं देख पाया। जा सकते। ठीक है साहब। 7 से 8 के बीच ये जरूर आलिया के क्रू मेंबर्स होंगे, उनसे पूछताछ करते हैं कौन आया था और किस लिए आया था। एक्सक्यूज मी आप लोग अपना अपना काम छोड़ दीजिए, इधर आइए। क्या बात है सर? अच्छा ये बताइए कि 3 दिन पहले रात में 7 से 8 के बीच में कोई बाहर का आदमी आया था यहाँ पे? सर मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि सूर्या और मैं 3 दिन पहले हम दिन में ही चले गए थे और उस दिन हम रात में काफी लेट आए थे। और आप यहाँ पे थे? जी हाँ सर। अच्छा ये बताइए कि कोई बाहर का आदमी आया था 3 दिन पहले? ओ हाँ एक इलेक्ट्रिशियन आया था सर। इलेक्ट्रिशियन? हाँ सर उस दिन शॉर्ट सर्किट के कारण फ्यूज उड़ गया था तो मैंने ही इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बुलाया था। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे था? पता नहीं सर मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन आया था और 10 मिनट में ही काम करके चला गया। अच्छा तुमने उस इलेक्ट्रिशियन को देखा, वो दिखता कैसा था? गौर से तो देखा नहीं सर, मैं सिर्फ उसे फॉल्ट दिखाकर अपने ऑब्जर्वेशन रूम पे चला गया।
लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उसने कुछ गलत किया? क्योंकि वो यहाँ से गया ही नहीं, वो बाहर गाड़ी में बैठ के इस घर पे नजर रख रहा था। देखे हम करते, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, कोना कोना छान मारते हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन यहाँ आया था तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा उसने। एक काम करते, सबसे पहले यहाँ का इलेक्ट्रिक पॉइंट चेक करते, उस इलेक्ट्रिशियन ने किसी पॉइंट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की? देखो के इस घर में वो वायरस जानबूझ करके फैलाया गया ताकि उसे हार्ट अटैक हो जाए। हाँ, कहीं भी वो वायरस होगा उसका सिग्नल हमें वैभव के पैर पर मिल जाएगा। अब हमें घर का हर कोना अच्छी तरह से चेक करना है, हर वो चीज जिसको आलिया ने इस्तेमाल किया। केविन सर, थोड़ा सा आगे चलिए। नहीं सर, इस तरफ तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है निखिल? वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ आया था तो कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा उसने, लेकिन क्या? अच्छा एंडी, वो इलेक्ट्रिशियन इस कमरे के अलावा कहीं और भी गया था? नहीं सर, वो यहीं से लौट गया था। सर, जली हुई इलेक्ट्रिक कॉइल, कुछ ना कुछ तो यही हुआ है। ये क्या आप लोगों की वजह से हुआ है? नहीं सर, मैंने तो इसे नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा सर। तो यही कुछ हुआ है, सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा जरा। एक मिनट, सर ये टेबल के नीचे कुछ लाइट की स्पार्क जैसा हुआ है। एक काम करो, रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। सर ये तो जलने लगा सर, ये है क्या? जैसे ही लाइट ने ब्लिंक करना शुरू किया पूरे घर की लाइट चली गई। और ये कोई संयोग नहीं है, ये ईएमपी डिवाइस है। पहले उसने सिग्नल दिया और उसके बाद पूरे कमरे की लाइट चली गई। लेकिन सर अभी तक आलिया की मौत की पहली सुलझी नहीं। निखिल, पहली तो सुलझी जाती है, कभी जल्दी तो कभी थोड़ी देर से। देखिए एक बार जरा।
हाँ सर, हाँ सर वहीं पर है। इसमें? हाँ सर, इस डब्बे में बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया इस आटे में प्लांट किए गए। बिल्कुल, इस आटे की वजह से आलिया को इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के लिए उसने वो दवाई खाई और दवाई की वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ। सर एक और बात, मुझे रिसीट मिली, आलिया ने अपने घर के दरवाजे का लॉक हाल ही में चेंज किया था। नया लॉक का मतलब तो साफ है शेफ, खूनी दरवाजा तोड़ के आया और बैक्टीरिया प्लांट करके चला गया। इंटरेस्टिंग। हेलो, ईएमपी डिवाइस। ये खूनी बहुत ही शातिर अपराधी है। पहले तो उसने इस ईएमपी डिवाइस के जरिए इस पूरे हॉल में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए थे सबको बंद कर दिया और उसके बाद पलक झपकते ही इस इलेक्ट्रिक डिवाइस में से पूरे कमरे में जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा और इन बिजली की तरंगों ने आलिया को मार भी दिया। देखते हैं इस रिमोट का बटन दबाने से ईएमपी डिवाइस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या किया होगा। तरंगे तो फिर से फैली लेकिन लेकिन हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो फिर ये आलिया को तरंगों ने कैसे मार दिया? क्योंकि आलिया के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर की वजह से उसके हाथ में एक रॉड लगी हुई थी, मेटल की रॉड। जैसे ही आलिया इस ईएमपी डिवाइस के पास पहुंची, उसके हाथ में लगी हुई मेटल की रॉड ने इस ईएमपी डिवाइस से निकलती हुई इलेक्ट्रिक तरंगों को अपनी तरफ खींचा और आलिया ने किडनी के इन्फेक्शन के लिए जो दवाइयां ली थी उसमें मिले हुए केमिकल्स ने इस इलेक्ट्रिक करंट को उसके दिल तक पहुंचाया। खूनी अंदर तो आया नहीं था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि आलिया ईएमपी डिवाइस के पास पहुंची? इसका मतलब है वो आलिया पे नजर रखे हुए था। जरा देखो यहां पे कोई सीसीटीवी का। इसका मतलब यहां से किसी दूसरी जगह पे सिग्नल भेजा जा रहा था और ये खूनी ट्रांसपोंडर के जरिए कहीं बैठा बैठा यहां की सारी शूटिंग देख रहा था। इसमें ट्रांसीवर है और अभी भी ऑन है। इसकी फ्रीक्वेंसी से हम खूनी का पता लगा सकते हैं। ट्रांसीवर की पोजीशन क्या है? 15 मिनट से तो एक ही जगह पर है, कोई मूवमेंट नहीं है। सर चौंकाने वाली बात यह है कि उसने रिसीवर ऑन करके छोड़ा हुआ है। इतनी तो समझ होगी उसमें कि इस फ्रीक्वेंसी के जरिए उसके लोकेशन ट्रेस हो सकते हैं। पर शायद ऑफ करना भूल गए हो या फिर कोई जाल बिछा है। सर सर एक सेकंड, यहाँ से राइट लीजिए, यहाँ से हम बस 20 मीटर की दूरी पर। सर इसे भी बिल्कुल आलिया की तरह मारा है, इसकी भी आंखों से खून बह रहा है सर। तो ईएमपी डिवाइस जरूर होगा यहाँ पे। दिव्या श्रेया जरा ढूंढो करना। थोड़ी अभी भी गर्म है, थोड़ी देर पहले इसकी मौत हुई है। देखो इसके पॉकेट में कुछ है क्या। सर इसका नाम रघुवीर है और उम्र 35 साल। रघुवीर सर,
सर ये देखिए। ये ईएमपी डिवाइस यहां रखा था। तो ये ट्रांसीवर मिला। ट्रांसीवर? ओ, ये खूनी चाहता था कि हम यहाँ आए और उसका ये खूनी खेल देखें, इसलिए उसने ट्रांसीवर ऑन रखा और वो खुद गायब हो गया। ये कुछ अलग है। ये दरवाजे का ये हिस्सा बना है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे इस दरवाजे के साथ किसी ने छेड़खानी की है और फिर रघुवीर ने इसे रिपेयर करा लिया। एक बात और है सर, आलिया के घर पे भी हमें दरवाजे से बिल्कुल ऐसी छेड़छाड़ के सबूत मिले थे और साथ ही हमें एक नए लॉक की रिसीट भी मिली थी। इस घर में जितने सबूत मिलते सारे उठा दो और इस रघुवीर के बारे में पता करो। रघुवीर के बारे में कुछ पता चला? सर ये रघुवीर तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लगातार सफलता की ऊंचाइयां चढ़ता ही जा रहा था। सर उसके दोस्तों ने बताया कि वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। और उसके परिवार वाले? सर उसके परिवार में उसकी बीवी जो विदेश में थी जब ये हादसा हुआ, आज ही इंडिया लौटी। अच्छा, ये आलिया और रघुवीर के बीच में कोई संबंध? नहीं सर, रघुवीर और आलिया का बैकग्राउंड चेक किया है, उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं। लेकिन एक बात सर, ये रघुवीर के पैर में जो रॉड डाला गया था 3 महीने पहले, बिल्कुल वैसा ही रॉड आलिया के हाथ में डाला गया था। और सर जो जहरीले बैक्टीरिया हमें रघुवीर के कबर्ड में मिले हैं, वही जहरीले बैक्टीरिया हमें आलिया के किचन में भी मिले। दो अलग अलग लोगों के खून, लेकिन खून करने का तरीका एक, इंसान बंद कमरा, कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं? एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर ये सीरियल किलर है तो फिर अपने शिकार को चुनता कैसे होगा? खूनी उन्हीं लोगों को अपना शिकार बना रहा है फ्रेडी, जिनकी हड्डी कुछ इस तरीके से टूटी हुई हो कि उसमें रॉड फिट किया गया, और फिर खूनी अपने तरीके से उनका खून कर देता है। एक खास बात और सर, ये खूनी खून करने से एक हफ्ते पहले ताला तोड़ता है, जिस तरह से भूषण तोड़ा करता था। अच्छा, देखिए सर, मगर सर आलिया तो भूषण पर रिसर्च कर रही थी, किताब लिख रही थी। मगर सर ये भूषण तो अपने शिकार को चाकू से मारता था और ये खूनी अपने शिकार को दिल का दौरा करवा के मारता है, तो फिर इन दोनों को आपस में जोड़ा कैसे जाए? कोई ना कोई कनेक्शन तो है फ्रेडी, इसका पता तो अब भूषण के घर जाके ही लगेगा। दरवाजा बंद है, वंश तोड़ दो दरवाजा। एक काम करते, इस घर की अच्छे से तलाशी लेते, पता तो चले कि खूनी इस घर में आके गया है या नहीं। इस कारपेट के नीचे कुछ है। हाँ, लगता है कोई खुफिया दरवाजा है। माय गॉड, ये रास्ता तो नीचे जा रहा है। Thank you.
तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे क्यों रखी हुई है? इन्हें तो ऐसे रखा है जैसे जैसे ये कोई ट्रॉफीज हो या कोई इनाम। सर ये देखिए, इस लड़की को तो भूषण ने मारा था। क्या? इसका मतलब ये सारी चीजें उन लोगों की हैं जिनका खून भूषण ने किया था। ये भूषण का तरीका था, वो खून करने से पहले मरने वाले की कोई ना कोई चीज अपने पास जरूर जमा करता था, यानी ऐसी चीजें। तो ये खेल है। उधर क्या रखा है? कमाल है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरी है। ऐसा लगता है सारी चीजें यहाँ हाल ही में रखी गई हैं। सर इसका मतलब खूनी यहाँ आया था और उसी ने ये सारी चीजें यहाँ रखी। ये खूनी जो भी है वो भूषण की नकल कर रहा है और भूषण की तरह ही उसने घर का लॉक तोड़ा और अंदर घुसा। सर खूनी ने तो अब तक दो खून किए हैं और यहाँ पे तो तीन चीजें रखी हैं। सर यानी कि खूनी अपना अगला खून प्लान कर चुका है, उसने अपने अगले शिकार को निशाने पे ले लिया है। उसे भी रोकेंगे श्रेया, पर उससे पहले हमें पता करना होगा ये सारी चीजें है किस किस की। तो इसी लॉक को तोड़कर वो खूनी आलिया के घर में घुसा, फिर उसने यहाँ बैक्टीरिया फैलाया और इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लेकर यहाँ से गायब हो गया। पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज इस घर की है। दिव्या सर, दिव्या सर, इन दोनों शोपीसेस में जो बीच की जगह है उसमें एफिल टावर हो सकता है। एक मिनट पकड़ना। नहीं दिव्या, ये शोपीस यहाँ इस टेबल पर नहीं रखा गया था। उसकी वजह यह है कि अगर ये शोपीस यहाँ रखा जाता तो जैसे निशान ये शोपीस को रख के यहाँ बने, या तो ऐसे निशान होते या फिर कोई मिट्टी का निशान होना चाहिए। सर, आवाज सही देखिए। सी निशान बिल्कुल बराबर जगह पे है, इसका मतलब ये बेल यहीं लटकाई गई थी। एक काम करते हैं, चेक करते हैं हमें आलिया की कोई फोटो एल्बम मिल जाए। ये देखो इस फोटो में आलिया के पीछे दीवार पे बिल्कुल ऐसी ही बेल है। रघुवीर के घर का एक कोना छान मारो, ये शोकेस रैक हर जगह देखो कोई चीज गायब है क्या। सर हाँ?
सर ये एफिल टावर यहां पे रखा था। चलो दो चीजों का तो पता चल गया, अब ये तीसरा भी पता चल जाएगा। ओके ठीक, थैंक यू। तीसरी निशानी के बारे में कुछ पता चला? सर जिसने उसे बनाया है उसका पता चल गया है, लेकिन बेचने और खरीदने वाले का अभी तक पता नहीं चला। सर मुझे तो लगता है कि खूनी हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, लेकिन कब तक सचिन? एक बार इस तीसरी निशानी के बारे में पता चल जाए खूनी ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं सकता। और सर पहले खून में तो उसने ट्रांसपोर्टर फिट किया था ताकि हम ये खूनी तमाशा देख सकें। हम लोग तो वहाँ पहुँच गए समय पे, लेकिन रघुवीर मारा जा चुका था। सर कहीं ये तीसरी निशानी खुद खूनी ने तो नहीं प्लान किया है हमें तीसरी क्राइम वाली जगह पर ले जाने के लिए? ऐसा लगता तो नहीं है। खूनी को क्या पता कि हम भूषण के घर जाने वाले हैं, वहाँ भी ये तीनों चीजें मिलेंगी। ये उसकी दिमागी सनकी है। लेकिन सर खूनी को भूषण के खून करने के तरीके के बारे में कैसे पता? क्योंकि भूषण की केस फाइल में ये कहीं नहीं लिखा कि वो किस तरीके से खून करना। मतलब खूनी का और भूषण का कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये भूषण के साथ सेल में कितने लोग थे अंदर? सर उसके साथ 5 खतरनाक अपराधी बंद थे, उनमें से 3 को तो फांसी लग चुकी है और 2 अभी भी जेल में बंद है। अच्छा, उनका कोई भाई या दो? हाँ सर एक भाई है, लेकिन खून के इल्जाम में अभी भी अंदर है। श्रेया? हाँ श्रेया, वेरी गुड, एड्रेस बता। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर उस दुकान का पता चल गया। ओके, लेट्स गो। सर देखिए मैंने आपसे बार बार कह दिया है ये घड़ी आपने ही खराब कर दी है, अभी आप इसे लेके जाइए वरना यहाँ ही छोड़ दीजिए, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, घड़ी को हाथ लगाने से घड़ी बंद हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सर मैं दिखा रहा था ना, आपको हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा मतलब घड़ी को हाथ नहीं मुंह लगाए हम। कमाल करते हैं आप, ये लीजिए, आने से रहें आपकी दुकान पे। सर आपकी मर्जी। ये सर क्या देखेंगे आप? उदय आपकी मदद कर देगा। नहीं नहीं एक्चुअली हम सीआईडी से हैं, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सर सीआईडी? हाँ सर पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? इसे ध्यान से देखिए, क्या ये गिफ्ट आपकी दुकान से खरीदा गया? सर ऐसे शोपीस तो हम ही बेचते हैं सर। नहीं ये खरीदा किसने था, कुछ याद है आपको? ऐसे तो बहुत सारी गिफ्ट हमने बेची है सर, अगर मैं इसका बार कोड देखूं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ सर। सर इसे किसी ने 6 दिन पहले खरीदा है सर। नहीं खरीदा किसने था ये बताइए। नहीं सर नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि ये कैश पेमेंट हुआ था। सर अब पता कैसे चलेगा? देखो ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल चल रहा है। अच्छा 6 दिन पहले की फुटेज देखनी है, ये देखिए सर। पहन रखी है सर, इसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा इस सीसीटीवी कैमरा के अलावा और कोई कैमरा लगा है यहाँ पे? जी नहीं सर और कोई दूसरा कैमरा नहीं है। अरे सुनो। यस सर। ये गिफ्ट तुम्हीं ने पैक करके दिया था ना उस लड़की? हाँ सर। सर बहुत ही अजीब सी लड़की थी सर। सर पूरी दुकान में सब सामान देख लिया, सबका दाम पूछा और फिर लास्ट में ये गिफ्ट उन्होंने मुझे पैक करवाया। ये फोन पे किससे बात कर रही थी, तुमने कुछ सुना? सर ध्यान से तो याद नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त से बात कर रही थी जिनके लिए तोहफा खरीदा था। ये दोस्त का नाम लिया था फोन पे? नहीं सर, सर नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो अपने दोस्त को बधाई दे रही थी क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। ओके थैंक यू वेरी मच, यूनिवर्सिटी टॉपर्स की लिस्ट निकालो। क्या? ओके सर
तीसरे शिकार का पता चल गया। कौन है वो? रितु, वही है यूनिवर्सिटी टॉपर। रितु, चलो इस रितु से मिलते हैं। एग्जाम के पहले ये सब कुछ हो गया ना, और तुझे पता है मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया। तुझे इन्फेक्शन हुआ था ना, वो कैसा है? अब तो ठीक है, दवाइयां ले रही हूं मैं। हाँ मामा, अभी आता। यार मेरी मम्मा का कॉल आ रहा है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, लेकिन आते रहना। अच्छा, ओके, बाय। मेरे तो का घर है कविन, अंदर जाके देखो, तब तक हम लोग उन्हीं की खबर लेते। यस सर। रितु, रितु, दरवाजा खोलो। तू दरवाजा नहीं खोल रही। रितु, रितु, आप लोग हो कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ये पैर में चोट लगी, इसमें रॉड डली है क्या? हाँ। माय गॉड, रॉड है मतलब कुछ भी हो सकता है। दिव्या, ईएमपी डिवाइस ढूंढो जल्दी। तुम लोग कर क्या रहे हो? जी मैम, मैं जिसकी तलाश में आप लोग इतनी बेसब्री से मुझे ढूंढ रहे हैं। चलो, ये खिलौना याद हो। इस खिलौने को ईएमपी रिमोट कहते हैं। अगर ज्यादा उछल कूद की ना, तो अभी इसका बटन दबा दूंगा, फिर देखना उस लड़की का हश्र। प्लीज मुझे बताओ तुम कर क्या रहे हो? केशव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूं, तो अपने उन दोनों बंदों से कहो जहां हैं वहीं रुक जाएं, वरना उनके लड़की लाने से पहले मैं इसका बटन दबा दूंगा, फिर बाहर केवल लड़की की लाश आएगी। एक मिनट, कविन, हाँ, हो गया ना? हाँ सर, समझ गए। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। उस भूषण की नकल करके खा गए ना धोखा? मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं। मैं और भूषण एक ही धंधा करते थे। फर्क बस इतना था, वो पर्दे के आगे था और मैं पर्दे के पीछे। जब उसको फांसी की सजा हुई, उस वक्त मैं ड्रग के केस में जेल के अंदर था, सजा काट रहा था। अब जब बाहर आया हूं, तो अपने तरीके से अपने शौक पूरे कर रहा हूं। ना मैं ज्यादा खून बहा रहा हूं, ना ज्यादा खंजर मार रहा हूं, बस शिकार को बिना तकलीफ दिए ऊपर भेज रहा हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो वहां पर? सर, चल बेटा, अब तेरा खेल खत्म। तुझे उसी जगह पे पहुंचाते हैं
जो तेरी सही जगह है जहां से तू आया था। मर गई वो लड़की, बारात लेकर आए थे जिसे बचाने। इस लड़की की बात कर रहे थे तुम? इसकी? धमाका तो कर दिया तुमने, धमाके की आवाज नहीं सुनेगा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।